अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप फिट फाट होंगे। बहुत सारी यूट्यूब पे ना ऐसी वीडियोस एग्रीकल्चर के बारे में घूम रही होती हैं जो फेक होती हैं। बहुत बहुत कुछ फेक लोग चढ़ा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती और वो लोग दिखा रहे होते हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी कर रहे हैं, मैं गार्डनिंग में ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, फलां फलां फलां। अब एक्चुअल में ये भाई क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबल तो है लेकिन इनकी वीडियो में कुछ फेक है, ये भी देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या ये कहाँ से इन्होंने फेक किया है। एज ए एग्रेरियन आपको पता चल जाता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं इसके अंदर। तो वीडियो देखते हैं और मैं और आप इसको डिस्कस करते हैं साथ साथ, इसमें इन्होंने क्या गलत किया है और क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वीडियो के साथ बंधे रहिए, वो वीडियो देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। एक्चुअल में ये वीडियो जी टमाटर और आलू को एक ही पौधे के ऊपर उगाने की वीडियो है जो इन भाई ने दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक इनडिटर्मिनेट टमाटर के साथ जो किया है। अच्छा जी, क्या करते हैं, एलोवेरा ले लिया इन्होंने जी। एलोवेरा आपको घरों में आम मिल जाता है, एलोवेरा को काट के एलोवेरा एक्चुअल में ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है, लोग इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये ग्रोथ को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। इसमें पानी मिला दिया है, पानी मिला के इसको सॉल्यूशन इसका बनाएंगे मेरे ख्याल से। आलू को ले लिया, इसमें डिप कर दिया। ये आलू के जो स्पोर्स होंगे वो खोल देगा और इसकी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा, इसलिए इसको एलोवेरा लगाया है। इसमें अब आलू लगाएंगे, आलू से यस आलू लगाएंगे, पोटैटो को इसमें अब ग्रो करेंगे। सात दिन बाद आईज होती है ना, आप पोटैटो की आईज, अगर आपको आईज नजर आ जाती है आप उसको डायरेक्ट भी वहीं से ग्रो कर सकते हैं। यहां से स्प्राउटिंग हो गई है, प्लांट्स निकल आए। दो प्लांट्स कर लेंगे इसको।
सैनिटाइज के लिए इसको जो है ना, कि ये आगे से और इसको किसी और बीमारी से बचाने के लिए इसको ऐश के साथ जो राख होती है उसके साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, ताकि जो कटी हुई पोर्शंस हैं उसके ऊपर किसी किस्म की बीमारी ना आए। आप कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, अगर आपके पास फंजीसाइड अवेलेबल है घर में तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉप्सन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थाइफिनेट मिथाइल के से जहर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं हल्का हल्का उसके ऊपर, उससे भी ट्रीट हो जाते हैं। ये इनडिटर्मिनेट वैरायटी है जो टमाटरों की लगी हुई है, ये जाल पे ऊपर की तरफ जाने वाली वैरायटी है, जिसके ये सेमी डिटर्मिनेट वैरायटीज जो होती है उनको लगाया जा सकता है। सेमी डिटर्मिनेट वैरायटीज की ये खासियत होती है कि आप उन्हें या इनडिटर्मिनेट वेराइटीज की ये खासियत होती है, बल्कि टमाटो को आप जो है ना उसके कट्स जो है ना कोई भी लगा देंगे ना ज़मीन के अंदर, तो वो उग जाते हैं, उसको कोई मसाइल नहीं पेश आते। आपके पास बीज नहीं है, आपके पास प्लांट लगे हुए, आप उसके कट्स जो है ना उसके स्टेम को काट लें कहीं से भी, उसके जो साइड ब्रांचेस निकली हुई उनको निकाल लें, उनको लगा दें, वो बहुत आसानी से उग जाते हैं। थोम एक एज ए एंटीबायोटिक भी काम करता है और एंटीसेप्टिक भी काम करता है, ये एज ए एंटीसेप्टिक काम करवा रहे हैं, जैसे कि ये किसी किस्म के इसके ऊपर कोई जर्म्स जो है ना वो ना लगे, उसके इससे बचाने के लिए, और ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं ये चीज़ें। शायद ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इतने छोटे पैमाने पे, इतनी छोटी जगह पे अब ये ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये हो भी जाए तो ये पोटैटो को की ग्रोथ इसमें इस मुझे नहीं नजर आती। यहां से ये थोड़ी सी मुझे सही तरीका ये है कि आप पोटैटो को ग्रो करें, अच्छा खासा ग्रो करें, जब वो तकरीबन हाफ फीट का हो जाए उसके अंदर फिर ग्राफ्टिंग करें आप, तो वहां फिर आप अच्छी इसकी ग्राफ्टिंग कर सकेंगे। इस पैमाने पे आपसे ग्राफ्टिंग होगी नहीं, और ये ग्राफ्टिंग आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। इसमें फिर आपका जो पोटैटो के जो सेक्शन है वो ग्रो नहीं करेगा। ये चीज अच्छी बनाई है, इससे आप नीचे से पोटैटो ले सकते हैं, नीचे आलू जो होते हैं ना उसको नीचे आप आराम से उसमें से निकाल सकते हैं पौधों से। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अप्रिशिएट करना चाहिए। दो बॉक्सेस के दरमियान बहुत अच्छा बनाया, मिट्टी से फिल करेंगे। कोई भी आप डंग्स जो आपके पास अवेलेबल हो, गोबर गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें, इसके अंदर मिक्स किया है मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेंगे तो उससे जो मिट्टी की अफादियत भी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छा ग्रोथ करेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जितने भी आपको मिलते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गियों का डांग इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गियों की पिरे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जानवरों की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर।
ग्राफ्टिंग इस सेक्शन पे आके बहुत मुश्किल होती है करनी, और ग्राफ्टिंग अगर आपने करनी ही है तो कम से कम बड़े पौधे में करें, और उसके लिए आप जो है ना एटलीस्ट उसको रैप करना होता है ग्राफ्टिंग को, ताकि वो किसी किस्म की उसमें बीमारी से बची रहे। नीम, नीम का पाउडर है, नीम का पाउडर जो है ना स्टिम्युलेटर का काम भी करता है। ये नहीं मिलता तो आप कोई भी अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फास्फोरस का इस्तेमाल करें, फास्फोरस की वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और रूट्स का सेगमेंट भी अच्छे से डिवेलप करता है। फास्फोरस प्लस आप पोटाश इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश और फास्फोरस को जब आप मिक्स करेंगे तो उससे आप बेहतरीन अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं रूट्स की ग्रोथ में, इवन के ऊपर की तरफ भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है उसकी। अगर आपने ग्राफ्टिंग करनी है तो इतने प्लांट्स पोटैटो के होने चाहिए, आप उसका पूरा का पूरा ऊपर का सेक्शन काट दें, उसके अंदर अच्छे से ग्राफ्टिंग करें और उसको अच्छे तरीके से रैप करें उस जगह को जहां आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, फिर आपकी जो पोटैटो की नीचे की ग्रोथ है वो फिर होगी। आलू और टमाटर के पौधे को आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए ये एक ही आलू के पौधे के ऊपर टमाटर उगा सकते हैं। ये पॉसिबल है एज एग्रेरियन भी, ये पॉसिबल है और एग्रीकल्चर में ये होते रहे क्योंकि एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आप तो जो प्रोडक्शन है आलू की नीचे की तरफ वो कमज़ोर मिलेगी, इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। उसकी वजह ये है कि पौधा एक ही टाइम में दोनों चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो आलू की तरफ उसका रुझान कम होगा। आलू मिलेंगे लेकिन छोटे साइज़ के मिलेंगे आपको और इतने अच्छे वो नहीं मिलेंगे। हाँ ये है कि ऊपर की तरफ उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, टमाटर अच्छे मिल जाते हैं आपको, तो बहुत अच्छी वैरायटी की आपने ग्राफ्टिंग की भी तो वहाँ से मिल जाएंगी आपको। अच्छे, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इतने अच्छे टमाटर आलू नीचे नजर आ रहे हैं। इतने आलू और वो भी यूनिफॉर्म एक साइज के, कि तो टोटल फेक है जी, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। वीडियो तो फेक है लेकिन ये दोनों चीजें इकट्ठी हो सकती हैं। इन्होंने आलू को पहले से भरा हुआ था नीचे। आलू और टमाटर अगर इकट्ठे होंगे ना तो इट्स नॉट पॉसिबल के ये इतने इकट्ठे होंगे और इतने ज्यादा आलू निकलेंगे, कोई भी वैरायटी आपको इतनी नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि ये रूट्स के साथ इतने वो इनकी बाइंडिंग हुई होती है कि जब ये निकाल रहे होते हैं ना तो आपको बाकायदा नजर आएंगे कि ये रूट्स के साथ चिपके हुए हैं, इनको हटाना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव देम फ्रॉम रूट्स। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऐसे खोलें और यू कैन ड्रॉप वट एवर। वीडियो तो वेग बनाई है लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है, और आई होप सो कि कहीं कोई एक वीडियो ऐसी पड़ी हो जिसमें ये इन्होंने किसी और भाई ने शो किया हो। ये एक और वीडियो भी है जिसमें इन्होंने दोनों चीज़ों को
ग्रो किया है, लेट्स सी इन्होंने क्या किया है। लेट्स सी इन्होंने क्या किया है, इनको भी आगे चल के देखते हैं। इन्होंने तो टमाटर ग्रो किए हैं। ये देखिए, ये आलू के बर्ड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं आलू के बर्ड्स। ये आलू के ऊपर आईज होती हैं उनके, आलू बर्ड्स वाले जो आईज है ना, आईज वाले जो आलू हैं, ये इन्होंने ग्रो किए हैं और अलग ग्रो किए। देखिए अलग ग्रो किया है। ये आलू बड़े हैं, प्लांट्स बड़े साइज के, मिथाइल सैनिटाइज सैनिटाइजर लिया है, जिससे इसको प्रॉपर चीज़ों को सैनिटाइज किया। ग्राफ्टिंग इज नॉट एन इजी जॉब, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप किसी भी चीज़ से करेंगे तो ग्राफ्टिंग खराब हो जाएगी। देखिए ना, बाकायदा प्लांट्स सेलेक्ट किए हैं इन्होंने इन भाई ने, कि कौन से पीसेस मैंने ग्राफ्ट करने हैं। अब ये बाकायदा शाख तराशी की है। यस, दिस इज द रियल, ये पॉसिबल है। यस, देखिए ग्राफ्टिंग, ये अब ग्राफ्टिंग कर रहा है। ही इज एन एक्सपर्ट इन ग्राफ्टिंग, नोज हाउ टू डू एक्स ग्राफ्टिंग। एंड डेफिनेटली ही विल गेट द रिजल्ट्स। यस, दिस इज इट क्राफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड द क्लिफ्ट क्राफ्टिंग। यस, इट्स अ क्लिफ्ट क्राफ्टिंग एंड ही इज रैपिंग। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो दिस इज द प्रोसीजर कि आप दोनों चीजें इकट्ठी ले सकते हैं। अदरवाइज दैट पर्सन, उन्होंने फेक, दैट्स That was the fake video. It's a tongue grafting, yes. This is little bit difficult. Cliff grafting is easy. Yes. Need a different types of grafting. अच्छा काम सराहना चाहिए यार, ये इसने अच्छी वीडियो बनाई है, ग्राफ्टिंग हो गई है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, he has a booklet, he knows everything. Look, after grafting के उसके बाद भी पौधे इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, सो इट्स नॉट एन इजी जॉब। यू विल आउट ऑफ 100 आई विल से दैट 50-50 चांसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। एंड ही स्टिल, ठीक है, आफ्टर 2 डेज ही फाउंड समथिंग दैट्स वन ऑफ द प्लांट इज स्टेबल एंड द अदर्स आर लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड, एंड स्टिल ही इज कटिंग द अदर न्यू प्लांट्स दैट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द पोटैटो।
काटने पड़ेंगे आपको जो वो देखिए पोटैटो का पौधा भी तो ग्रोथ कर रहा है ना, उसके जो साइड्स नई शाखें निकलेंगी उनको काटना पड़ेगा ताकि वो शाखें ना निकाले और जो ऊपर की जो टमाटो के प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ करें। ये सेट हो गई है तो उनको छोड़ देंगे। देखिए ये बहुत मुश्किल से स्टेबल होती है क्राफ्टिंग, इसलिए एक आसान जॉब नहीं है। नाउ ही इज ट्रांसप्लांटिंग, या आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब देखिए ट्रांसप्लांट की है, नीचे कोई पोटैटो नहीं था, अब बाकायदा ट्रांसप्लांट की है, पौधे को ट्रांसप्लांट की है, नीचे कोई पोटैटो नहीं था, प्रॉपर तरीके से ट्रांसप्लांट की है। इन्हें दिखाया कि डिफरेंट ग्राफ्टिंग करने से क्या होता है, कौन सी ग्राफ्टिंग करते हैं। 32 दिन बाद, सिंस ग्राफ्टिंग के 32 डेज बाद भी फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। आप कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, नाइट्रोफास दे सकते हैं। टमाटो अब निकलना शुरू है 32 दिन बाद, 70 दिन बाद, इट मीन्स कि आफ्टर 2 मंथ्स यू विल गेट अ दिस काइंड ऑफ टमाटोज। After 2 months, not so much big. These are the small tomatoes. ये शो कर रहा है कि देखिए दोनों प्लांट्स एक ही तरफ के एक ही जगह से फूड ले रहे हैं, नीचे वाला भी ले रहा है और ऊपर वाला भी ले रहा है। तो दोनों इकट्ठे जब प्लांट्स अपना फ्रूट लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक ही जितना फ्रूट बना सकें। तो बहुत मुश्किल से होता है कि आपको जो है ना बड़े बड़े टमाटो मिले, डिफरेंट टमाटो इन्होंने ट्राई किए हैं और डिफरेंट टमाटोज के रिजल्ट्स हैं। चेरी टमाटो भी हैं, लॉन्ग भी हैं, टेस्ट में डेफिनेटली अच्छे होंगे। लेट्स सी क्या हम देखते हैं कि नीचे से क्या निकला। नीचे की तरफ जाते हैं, देखिए अभी इन्होंने निकाला है ना, लुक बाकायदा चिपके हुए हैं, यू हैव टू पुल, ऐसे नहीं है। और आलू के साइज देखें, दिस इज द एक्चुअल रिजल्ट। सो वी कैन से कि आलू लिए जा सकते हैं लेकिन इतने बड़े साइजेस के नहीं जो उस भाई ने शो किए, ये रियलिटी है और यही साइज आपको मिलेगा। ठीक है, इन भाई ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि हम आलू और टमाटर को दोनों को इकट्ठा कैसे ग्रो कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग एक मुश्किल प्रोसीजर है, लुक करते हैं। अगर आपका शौक है तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए और इस भाई के वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, इसको देख सकते हैं। अगर इसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है तो देख लीजिए। बाकायदा इस वीडियो का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखते रहिए और दो में याद रखिए। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।